इंडिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली लाइंस कौन सी है? अबे इंडिया है, यहाँ पे ऐसा ही चलता है। अरे मेरे भाई, इंडिया में कुछ नहीं सुधर सकता रे। अबे तू इंडिया में कुछ भी कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला लोगों को। लोग वैसे के वैसे ही रहेंगे। इंडिया के लोगों में सुधार क्यों नहीं होता? इन्हें कुछ भी अच्छा करने से फर्क क्यों नहीं पड़ता है? ये साले कब सुधरेंगे? आखिर हमारे इंडिया के नालायक लोग इतने खराब क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, मैं हम इंडियंस को इतनी गालियां क्यों दे रहा हूँ? रीजन एक नहीं दोस्तों, रीजन 5 दूंगा मैं आपको। मगर उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीजन नंबर 1, ऑलमोस्ट एवरीवन मींस 99% ऑफ इंडियंस आर करप्टेड। इंडिया में सब लोग करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट नेता लोग, करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट पुलिस वालों की बात करते हैं, मगर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि ये लोग कहाँ से आते हैं। एक्चुअली में दोस्तों, हमारा सारा का सारा समाज ही करप्ट है। अगर आज कोई घूस दे दो किसी ऑफिसर को, घूसखोर कह रहा है, और वही आदमी अगर कल खुद ऑफिसर बन जाए तो क्या वो घूस नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा, क्योंकि हम पैदाइश ही घूसखोर बन चुके हैं। हमें बचपन से जाने अनजाने में यही सिखाया दिखाया जाता है कि करप्शन कैसे होता है। स्कूल में, घर पर, बाहर, सभी तरफ हमें करप्शन ही करप्शन दिखाई देता है। इसलिए शायद करप्शन हमारे DNA तक पहुंच चुका है। हम सब करप्ट बन चुके हैं सिवाय इनको छोड़ के। ये अभी कांग्रेस की सरकार का वापस आने के इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा और कब ये करप्शन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इन्हें छोड़ दीजिए, बाकी हम सब करप्ट बन चुके हैं। हमें करप्शन से तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा खुद का कोई नुकसान नहीं होता। जब हमारा खुद का नुकसान हो जाए तब करप्शन गलत लगने लगता है। तब तक इंडिया में तो ऐसा ही चलता है, ऐसा कहकर हम करप्शन को टाल देते हैं। और यही बात मेरा हम इंडियंस को गाली देने का दूसरा रीजन बताती है। हम इंडियंस बहुत ज्यादा खुदगर्ज है। हमें हमारा खुद का घर तो साफ चाहिए, मगर हमारे ही देश की सड़क या फिर खुला मैदान कचरे का ढेर में क्यों ना बदल जाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हम इंडियंस के खुदगर्जी की मिसालें जितनी दी जाए उतनी ही कम है। अगर सड़क पर एक्सीडेंट होकर कोई मर रहा है तो उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाने वाला 100 में से सिर्फ एक होगा, वो भी अगर उसका नसीब अच्छा हुआ तो। अगर कहीं पर कोई किसी को छेड़ रहा है या फिर कहीं पर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक वो हमारे साथ ना हो। हम इतने खुशगर्ज है। रीजन नंबर 3, हमारा रूल्स, रेगुलेशन, लॉस, डिसिप्लिन, मैनर्स, एथिक्स, इस सब से कोई संबंध नहीं है। अगर कहीं पर यह लिखा है कि यहाँ पर थूकना मना है तो हम वहीं पर जाके थूकेंगे। हम थूक थूक कर उसे लाल किले में बदल डालेंगे। इतने हरामी कैसे हो सकते हैं हम? पहली बात तो यह है कि हमें हमारे सरकार को यह बताना पड़ रहा है कि बेटा दीवार पर थूको मत, यह गलत बात है। इसी से हमारी मेंटेलिटी की औकात हमें पता चलती है कि हमें बताना पड़ रहा है ऊपर से कि दीवार पर थूको मत, फिर भी वहीं पर जाके थूकते हैं। ट्रैफिक लॉस का हम इंडियन कितने अच्छे तरीके से पालन करते हैं ये तो यहाँ पे बताने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अनडिसिप्लिन की हद है हम इंडियंस। इंडिया में अनेकता में एकता है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ऐसा सच में है। इंडिया में सभी धर्म जाति के लोग एक साथ पीस और हारमोनी में रहते हैं, मगर इस भाईचारे को नफरत में बदलने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगता है। जब कोई राजनेता हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करता है या फिर कहीं साजिश करता है तो हम ताश की पत्तों की तरह बढ़ जाते हैं और भारतीय होकर भी एक दूसरे को नफरत करने लगते हैं। और उधर आपकी नफरत को वोट्स में बदल कर वो हरामी राजनेता मजे कर रहा होता है। ऐसे किसी के भी भड़काने से हम बट क्यों जाते हैं, कभी सोचा है? लोग आज भी किसी इंसान को सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं देखते हैं। भारत में आज भी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को बुरा माना जाता है। ये प्रूव करता है कि आज भी धर्म जाति का भेदभाव हमारे नस नस में है और हमारे समाज को अंधेरे की तरफ लेके जा रहा है। और मेरे हिसाब से सबसे लास्ट और सबसे बड़ा रीजन है हम इंडियंस को खराब कहने का, वो है हमारी देशभक्ति। हमारी देशभक्ति दिखाने की औकात सिर्फ व्हाट्सएप पर स्टेटस डालने की और ट्विटर पर ट्वीट मारने की है। जमीन पर उतर कर देश के लिए कुछ अच्छा काम करना तो छोड़ ही दीजिए। हमारी देशभक्ति सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को गाली देने में है और रेडमी के मोबाइल से #BoycottChina लिखने में। एक्चुअली में असली देशभक्ति क्या होती है ये हम आम भारतीय नागरिक भूल चुके हैं। हमारा देश सैकड़ों सालों से दूसरे लोगों का गुलाम रहा है और सैकड़ों सालों से हम पर दूसरे लोगों का मालिकाना हक रहा है। शायद इसी वजह से कुछ नालायक लोगों को अब भी ऐसा लगता है कि ये देश हमारा नहीं है और वो उसी तरह बर्ताव करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो एक सच्चा देशभक्त अपने ही सड़कों पर कैसे थूक सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो एक सच्चा देशभक्त अपने ही देश के मैदानों को कचरे के ढेर में कैसे बदल सकता है? अगर ये सच नहीं है तो एक सच्चा देशभक्त जो बाहर फॉरेन कंट्री में जाकर रास्ते पर छींकने से भी डरता है, वो हमारी कंट्री में वही सेम आदमी जब हमारी कंट्री में आता है तो सड़क पर मूत के चला जाता है। ये सब बातें क्या प्रूव करती है कि हम एक सच्चे देशभक्त है या नहीं? हम में से सब लोग इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते हैं, मगर हम में से कितने लोग वोटिंग के दिन वोट करने जाते हैं, जो कि हमारे देश को बचाने के लिए हमारी प्राइम ड्यूटी है वोटिंग, क्या वो हम सब लोग करते हैं? आधी से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं करती है फिर भी अपने आप को देशभक्त कहती है। अगर ये सच्चाई है तो भगवान ही मालिक है हमारा। दोस्तों, मैंने जो आपको 5 रीजन बताया है हम इंडियंस को गाली देने के, वो कहीं पर भी अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है मुझे। हम सबको पता है वो सब सच है, मगर कुछ लोगों ने, करोड़ नहीं तो कुछ लाख लोगों ने ये सब पॉइंट्स गलत साबित करके दिखाए। भारत में आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद से ज्यादा अपनी वतन की चिंता करते हैं और देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं।
आज भी हमारे फौजी सरहद पर अपना सीना अपने देशवासियों की रक्षा में अर्पण कर देते हैं। आज भी कुछ लोग इस समाज को बदलने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। मगर दोस्तों, क्या यह सब इंडिया को बदलने के लिए काफी है? नहीं दोस्तों, अगर इंडिया को सच में एक अच्छी कंट्री बननी है तो हम सब इंडियंस को जड़ से बदलना होगा। हर इंडियन इंसान को, दूसरे जितने भी इंडियंस हैं, उन सबको अपना मानना होगा, तभी जाकर वो खुदगर्जी छोड़कर समाज के लिए जी पाएगा। हम सबको धर्म जाति का चश्मा उतार कर एक इंडियन को एक इंडियन के नाम पर ही पहचानना होगा। हम सबको ये पूरा भारत देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक अपना घर मानना होगा, और तभी भ्रष्टाचार और भेदभाव जैसे चीजों से हम मुक्त होकर एक अच्छे समाज की तरह जी पाएंगे। ये सब चीजें करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम मॉरल एजुकेशन को मैथ, साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से भी ज्यादा महत्व दें और हमारे एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करें। हम हमारे बच्चों को एक सच्चे और अच्छे भारतीय होने की परिभाषा ना सिर्फ बताएं, उनको वैसा जीना भी सिखा दें। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पर मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक सच्चे भारतीय बने, तो आपको एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और ऑन दिस नोट आई वॉन्ट टू से गुड बाय। सवाल पूछे दोस्तों, सवाल पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जय हिंद।